प्रयागराज में भारी बारिश से फिर हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। राजधानी लखनऊ सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिर गए हैं। प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिस्से का भी यही हाल है। प्रयागराज जिले में भी 24 घंटे से लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सब्जी की फसलों के साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में कई मकान धराशाही हो गए हैं। शहर में पानी भरने से आवागमन ठप पड़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जी, यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जैसे CMP डिग्री कॉलेज है, पूरी तरह से डूब चुका है। 2-3 प्रमुख सड़कें हैं, जैसे आपकी चिंतामणि रोड हो गया, लिडिल रोड हो गई और AN झा मार्ग हो गया, ये पूरी तरह से एकदम डूब चुकी है। ये मालविया रोड हो गई, ये सारी रोडें अपने मतलब पूरी तरह से पानी से डूब चुकी हैं और यहाँ पे नगर निगम प्रशासन इसको अनदेखी कर रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा थाना भी जाचाउन थाना तो इस तरह डूब गया है जिसकी कोई हद नहीं है। सारी सरकारी व्यवस्थाएं कागज पत्थर सब उसमें भीग चुके हुए हैं। अभी हमारी एसओ साहब से बात भी हुई थी, मिले थे बेचारे, घर उनका ही जहाँ पे पहुँचता है मौके से, कहें यार बबलू को छुटो कराओ। नाम जयशंकर रावत। आपको बता दें कि पिछले महीने तेज बारिश और कई जगहों से छोड़े गए पानी की वजह से प्रयागराज के साथ ही उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मौसम विभाग की बात अगर सही हुई तो हो ना हो बारिश की वजह से निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।